गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नया दिन, एक नया व्लॉग, एक नया शुरुआत। सो गाइस, आज का वेदर है बहुत ही डिफरेंट। आज आप देख सकते हो पूरा चारों तरफ एकदम सनशाइन यू नो एटमोस्फियर है। तो मैं सुबह सुबह पहुंच चुका हूँ मेरे ऑफिस में, एग्जैक्टली मेरे क्लासेस में, और यहाँ पर मैं एक साथ तीन ठो क्लास शुरू कर रहा हूँ। देख सकते हो ये ऑल दिस बाइक्स, ये सभी जो साइकिल रखा हुआ है, ऑल माई दैट ऑल बिलोंग्स टू माई स्टूडेंट्स। सो क्लास का सीन क्या है, एट अ टाइम मैं तीन क्लास कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, चलिए अंदर पहुँच के आपको दिखाते हैं। सो दिस इज क्लास वन। क्लास वन में एक ही स्टूडेंट बैठा है और इसका जो सब्जेक्ट इज IELTS, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सब लिखा हुआ है एंड ही इज डूइंग ऑल द स्टफ। ये दोस्तों क्लास वन। अभी चलते हैं सेकेंड क्लास में। ये हो रहा है हम लोग का सेकेंड क्लास। यहाँ पर चल रहे ग्रुप स्टडी 1, 2, 3, 4, 5। इन लोगों का स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन सामने ही है, सो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग द केस स्टडी। और जो बुक ये कर रहा है दैट इज़ द ABTA टेस्ट पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बुक है फॉर द बंगाली मीडियम स्टूडेंट्स जो कोलकाता में रहते हैं, जो लोग स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन देते हैं, एंड दे आर डूइंग दिस केस स्टडी एंड ABTA टेस्ट पेपर सॉल्विंग देयर। ये सेकेंड क्लास। और यहाँ पर चल रहा है थर्ड क्लास। ये हम लोग का थर्ड क्लास फॉर द विद द गर्ल्स 1, 2, 3, 4। फोर गर्ल्स दे आर डूइंग द केस स्टडीज ओवर हियर, ग्रुप स्टडी, सॉरी नॉट केस स्टडी, केस स्टडी ओवर हियर। तो एट ए टाइम यहाँ पर, तीन क्लास चल रहा है पैरेलल। सो एक्चुअली यहाँ पर मेरा जो फैसिलिटीज़ है, जो मेरे ऑफिस में तीन रूम एक साथ है, तो हर मैच्योर, देखो बच्चों को तो आप ऐसे अकेले छोड़ के नहीं दे सकते, बट जब सीनियर्स सब क्लास में आते हैं तो एक बेनिफिट हो जाता है कि आप उन लोगों को कुछ काम देकर बिठा सकते हो, वो लोग काम करता रहता है, और आप बीइंग अ फैकल्टी मैं घूमता रहता हूँ, इस क्लास से उस क्लास से इस क्लास मैं घूमता रहता हूँ, घूम घूम के मैं उन लोगों को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे भी पूछ लेता हूँ, मैं भी जाकर उन लोगों को पूछ कर सॉल्व कर देता हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश टेक्स्ट, ऑल दिस थिंग्स आई डू टेक द क्लासेस सुबह से रात तक, यही मेरा काम है। और क्लास करते करते जब एक डेढ़ महीने के बाद जब मैं थक जाता हूँ, उसके बाद मैं भाग जाता हूँ सब छोड़ छाड़ के फॉर माई ट्रेवल जर्नी। सो गाइज, ऐसे ही मैं बैलेंस करता हूँ मेरा दो काम एज अ ट्रेनर, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग एज अ इंग्लिश ट्रेनर फॉर लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल से मैं कर रहा हूँ, और यूट्यूब का जर्नी है वो लास्ट 3 साल, 2.5 से 3 साल से। तो दोस्तों, शाम के सिर्फ 5 बजे है, सूरज पूरा ऑलमोस्ट डूब चुका है। एक्चुअली विंटर का सीज़न में ऐसे ही होता है, जल्दी जल्दी सूरज मामा डूब जाता है और अंधेरा भी जल्दी से हो जाता है। तो ऑलरेडी सुबह के क्लास ख़त्म करके मैं घर वापस आ गया, और इतना टायर्ड हो चुका था, कुछ भी और करने का कोई कंडीशन ही नहीं था। तो शाम के 5 बजे फिर से ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मेरे क्लास में। सो ऑलरेडी देख सकते हो स्ट्रीट लाइट सब कुछ ऑलरेडी जल चुका है। सो नाउ जस्ट आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, एज यू कैन सी दैट इज ये इवनिंग क्लास चल रहा है, एंड दे ऑल आर माई स्टूडेंट ओवर हियर। ये थोड़ा सा जूनियर क्लास है। अगर कल का वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कल का जो क्लास था इट वॉज अ सीनियर, दो लोग यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ता है, बट दीज ऑल द स्टूडेंट्स ए आर फ्रॉम द बेसिकली स्कूल, कोई क्लास 8 में क्लास 9 में पढ़ता है। और आज हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज द कौन सा चैप्टर, विच चैप्टर वी आर डूइंग टूडे, थोड़ा सा लाउडली, विच चैप्टर, नरेशन चेंज। और यकीन मानो नरेशन चेंज में दे ऑल आर मेकिंग प्लेंटी ऑफ मिस्टेक्स। तो आज हम लोग दो वीक से वी आर प्रैक्टिस नरेशन, उसके बाद भी डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर मेकिंग प्लेंटी ऑफ मिस्टेक्स इन नरेशन। बट आज बहुत डांट पड़ा, यूजुअली मैं किसी को डांटता नहीं हूँ, आई नेवर रिब्यूक टू एनी वन, बट आज स्पेसिफिकली टू ऑल गर्ल्स दे आर बैडली रिब्यूक बाई मी। पर उसके बाद ठीक है, चलो यार पढ़ाई नहीं होगा तो अगर मार भी पड़ता है कोई इशू नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट को बात चल रही है ठेगाना उचित, स्टूडेंट शुड बी बीटन और नॉट, यस और नो? नो। ओके, देखो क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट ने मारा उचित? नो। देखो एक्चुअली डर के मारे क्या बोल रहे हैं, मारना नहीं चाहिए, बट आई डू बिलीव दैट जब व्हेन आई वाज इन देयर पोजीशन, जो जब मैं छोटा था, ओके, आई यूज्ड टू बैडली बीटन बाय माय टीचर, सो दैट्स व्हाई आई बिकेम द टीचर, आई बिकेम द फैकल्टी। तो थोड़ा सा अगर डांट पड़ जाए बाय द टीचर, थोड़ा सा मार पड़ जाए बाय द टीचर, इट इज़ गुड फॉर स्टूडेंट्स। द फर्स्ट थिंग इज दैट फ्लेक्सिबिलिटी। एक डायरेक्टर एक फ्लेक्सिबल एक्टर और एक्ट्रेस ढूंढता है, क्यों ढूंढता है? क्योंकि अगर एक्टर और एक्ट्रेस फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो वो कोई भी कैरेक्टर ठीक तरह से एडजस्ट होके नहीं कर पाएगा। सो गाइज, एक्चुअली मैं क्यों डायरेक्टर एक्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, लेट मी गिव यू वन क्लैरिफिकेशन। बिसाइड माई स्पोकन इंग्लिश क्लासेस मैं एक्टिंग ड्रामा का भी क्लास लेता हूँ, एंड शी इज़ माई एक्टिंग ड्रामा का स्टूडेंट। और मैं हाई हेलो बोल दो थोड़ा सा, ओके।
दिस क्यूट लेडी, क्यूट गर्ल, शी इज फ्रॉम आवर एक्टिंग क्लास. तो इसका ये सेपरेट क्यों क्लास कर रही है, क्योंकि इसके ऑडिशन है एक दो दस दिन के अंदर, तो इसीलिए ऑडिशन के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन लेना है, तो थोड़ा सा डर रही है. फर्स्ट टाइम शी इज फेसिंग ऑडिशन. पहले भी ऑडिशन दिया, फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम. तो थोड़ा सा डर रही हो ऑडिशन के लिए? अच्छा, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है इसको. तो फर्स्ट ऑडिशन इसको देने जाना है, और डायरेक्टली इसको देने जाना है ऑडिशन इन द दशानी स्टूडियो. क्या है दशानी स्टूडियो, अगर कोलकाता में अगर हो और कोलकाता के बाहर, सो लेट मी टेल यू, दशानी स्टूडियो कोलकाता का एक बहुत ही बड़ा फेमस इंडस्ट्री का स्टूडियो है जिसमें इसका ऑडिशन है. तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन ले रहे हैं, एक डायरेक्टर क्या क्या चीज़ जानता है. तो देखो, अगर आप किसी भी ऑडिशन में जा रहे हो, डायरेक्टर फर्स्ट क्या चाहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितना फ्लेक्सिबल हो किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए, ठीक है. नंबर टू, मेमोराइजिंग पावर. क्यों मेमोराइजिंग पावर चाहिए? देखो, अगर आप ऑडिशन में जा रहे हो, आपका स्क्रिप्ट एक पेज का भी हो सकता है, हाफ पेज का भी हो सकता है, दो पेज का भी हो सकता है. अगर आपको मेमोराइजिंग पावर, किसी चीज़ को याद रखने का पावर नहीं है, तो कैसे स्क्रिप्ट मेमोराइज करके बोलोगे? तो एक्टिंग के लिए मेमोराइजिंग पावर कुछ चाहिए. क्यों? कि हाउ इज योर मेमोराइजिंग पावर, याद रखने का क्षमता कैसा है आपका? मुखस्त करो, कमोदर पारो, कैन यू डू इट? ओके, बट मेमोराइजिंग पावरटा किंतु आरो इम्प्रूव करती, यू हैव टू इम्प्रूव योर मेमोराइजिंग पावर. सो दोस्तों, ये मेरा एक्टिंग क्लास चल रहा है. चलिए, एक्टिंग क्लास का अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक खत्म होने के बाद बाकी का सीन आपको दिखाते हैं. तो भाई, ये था पूरा क्लास का सीन एग्जैक्टली. तो क्लास हो चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ घर मेरे साइकिल. एक्चुअली वेदर बहुत ही अच्छा हो चुका है, बट अचानक से कोलकाता का अगर टेम्परेचर देखोगे, जस्ट लाइक कुछ दिन पहले द टेम्परेचर वॉज टू वार्म, बट सडनली जस्ट कुछ ही दिनों के अंदर टेम्परेचर इतना गिर चुका है, झट से ठंडा आ चुका है, झट से. तो इससे फीलिंग सो गुड. और मेरा फेवरेट सीजन है विंटर, और विंटर में यूजुअली मैं बहुत खुश रहता हूँ, बिकॉज विंटर इज़ ट्रेवलिंग टाइम, विंटर इज़ फॉर द गुड ड्रेसिंग टाइम. तो ऑलरेडी मैं बहुत करीब आ चुका हूँ मेरे घर का. रोड कंडीशन देखो बहुत ही बुरा है. एक प्रॉब्लम मेरे लोकेलिटी में है, जब भी यहाँ पर यह पता, पानी के लिए कोई अगर रास्ता खोदा जाता है फॉर द वाटर, पानी के लिए, तो उस जगह का रिपेयर ज़्यादा नहीं होता है. तो ये सीन थोड़ा सा, तभी घर जाने के बाद मुझको करना है कुछ एडिटिंग वीडियो का, मेरे दूसरा चैनल का भी एडिटिंग बहुत पेंडिंग है. तो आज कुछ ज़्यादा खास नहीं था, ज़्यादा कुछ जगह पर जाना भी नहीं हुआ, बट इट वॉज़ गुड. कल मंडे है, सॉरी ट्यूसडे है, कल बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कल रहने वाला है, क्योंकि टुमारो मेरा हॉलीडे है. सो दोस्तों, ऑलरेडी घर वापस आने के बाद द मेन टास्क इज एडिट करना, क्योंकि सारा दिन का जो शूट है उसको ठीक तरह से एडिट अगर करा जाएगा, तब भी आपको एक अच्छा व्लॉग मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ. तो मैंने मेरा एडिट सेटअप को ऑन कर दिया है नाउ फॉर द एडिट टाइम. सो चलिए दोस्तों, व्लॉग पेपर ख़त्म करते हैं, और जो मेमोरी चिप में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको, गोप्रो को निकाल के मैं कंप्यूटर में पूरा सिस्टम को इंसर्ट करता हूँ. टोटल जो वीडियो मैंने आज शूट किया, लेट मी इंसर्ट ऑल दिस थिंग, उसके बाद व्लॉग सुबह को मैं अपलोड कर दूंगा. सो भाइयों दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर देना. सो सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड.